स्ट्रिंग क्या होता है? एक स्ट्रिंग होगा, हमने क्या कर दिया है, एक स्ट्रिंग को दो पॉइंट्स के बीच में हमने इसको टाई कर दिया है। अगर हम इसको टाई कर देते हैं मतलब ये एक रिजिड एंड और ये हो जाएगा दूसरा रिजिड एंड, ठीक है। दो रिजिड एंड्स के बीच में एक स्ट्रिंग हमारा बंधा हुआ है, तो ये स्ट्रिंग एक बार में ऊपर की तरफ जाता है ऐसे, ठीक है, और एक बार में नीचे की तरफ आता है ऐसे, ठीक है, ऐसे भी आता है। तो अगर हम कहेंगे कि ये स्ट्रिंग जो वाइब्रेट कर रहा है तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा एक एंटी नोड, ये वाला पॉइंट बनेगा नोड और ये वाला पॉइंट बनेगा नोड। इसको कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ नोड एंड एंटी नोड। तो ये होता है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो अगर ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, यहाँ पर हमने देखा है कि स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, मैं वो सारी चीज़ें नहीं लिखूंगा, स्टूडेंट जो कुछ बुक्स में लिखा होता है आप उसके डेरिवेशन को रिफर कर लीजिए, ये लेंथ एल होती है, इसके अंदर में अभी कितना बन रहा है। मैं सिर्फ ये लिख सकता हूँ यहाँ पे कि लेंथ एल किसके बराबर है, लैम्ब्डा बाय 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एक ही लूप बना है, देखो जरा एक लूप बना है, एक लूप की लेंथ कितनी होती है, लैम्ब्डा बाय 2 होती है, तो एल इज इक्वल टू लैम्ब्डा बाय 2 हो गया हमारे पास। अब मुझे जो है ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव इट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय एम होती है, बस सही है ना, अंडर रूट टी बाय एम। व्हाट इज टी? टी इज द टेंशन, और एम क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। छोटू एम इज इक्वल टू कैपिटल एम बाय एल होता है, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ उसको बोलते हैं। इसको नहीं मालूम प्लीज एक बार रिफर कर लीजिए डेरिवेशन, ठीक है ना, ऐसे हो गया। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से कि ये तो वेलोसिटी मिल गई है, एज वी इज इक्वल टू एन लैम्ब्डा, ठीक है, एन लैम्ब्डा हो चुका है। तो मैं फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखूँ क्या, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाय लैम्ब्डा। व्हाट इज वी? वी इज अंडर रूट टी बाय एम, और व्हाट इज लैम्ब्डा? लैम्ब्डा इज 2L। तो ये हो जाएगा नीचे 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाय एम। तो ये है हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वाइब्रेशन का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसको बोला जाता है कि एक स्ट्रिंग जो वाइब्रेट करता है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है। चलिए देखते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अभी हमने एक इक्वेशन निकाला था कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन आई थी एन इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट टी बाय एम, ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमको मिली थी, ये थी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ठीक है। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ, जो फंडामेंटल मोड होता है ना, मतलब ये वाला एंड फिक्स्ड, ये वाला एंड फिक्स्ड, और जो वाइब्रेशन होती है वो स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट करता है, जिसके अंदर स्ट्रिंग की टोटल लेंथ लैम्ब्डा बाय 2 बना सकती है, फाइन, यही था बात, ओके। तो ये वाले पॉइंट को हमने क्या कहा था, इसको कहते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, दिस इज फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। अब फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमको पता चला कि लेंथ की वैल्यू लैम्ब्डा बाय 2 होती है और ये वाली वैल्यू होती है एन इज इक्वल टू वी बाय लैम्ब्डा, वी की वैल्यू टी बाय एन अंडर रूट टी बाय एन, और लैम्ब्डा की जगह पर 2L आ गया, ठीक है, यहां से लिया हमने लैम्ब्डा इज इक्वल टू 2L। अब नेक्स्ट बनेगा फंडामेंटल मोड, यानी कि फर्स्ट मोड हुआ, अब आएगा सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकेंड मोड में हम करेंगे क्या कि जो हमारे अभी आपने देखा था कि इसके अंदर में कितने नोड बने थे, 1, 2, और एंटी नोड कितने बने थे, 1, ठीक है, 1 एंटी नोड था और 2 नोड थे। अब एक एक बढ़ा दिया जाए दोनों में तो कितने हो जाएंगे नोड्स विल बिकम्स 1, 2, अगेन इज 3, और एंटी नोड कितने हो जाएंगे 2, ठीक है, बढ़ जाएगा, 1 था इसमें फंडामेंटल मोड में, नेक्स्ट मोड के अंदर में 2 हो जाएंगे, ठीक है।
अब ये अगर बढ़ गया तो हम इसको बनाएंगे कैसे, कि एक स्ट्रिंग होता है, कुछ लेंथ होती है उसकी, ये लूप दिखाई देगा आपको ऐसे, इसको बोल देंगे नोड 1, 2, 3 और ये एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, फाइन ठीक है बन गए, दो एंटी नोड और एक नोड, कितने बन गए नोड 3 बन गए। टोटल लेंथ क्या हो जाएगी देखो, बोलिए स्टूडेंट्स कितनी होगी वैल्यू, हाँ कितनी है ये, 1 लैम्डा पूरा दिख रहा है क्या, सही बात है यार, कितना था लैम्डा बाय 2, 1 लूप था इसलिए, और यहाँ भी कितने लूप, कितने 2, इसीलिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लैम्डा पूरा हो जाएगा ठीक है। तो ये हो गया टोटल 1 लैम्डा, एल इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू एल, ऐसा बोल सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा होता है, लैम्डा वैल्यू कितनी है एल, यहाँ रख दो एल, तो यहाँ पे आ जाएगा एन इक्वल टू वी बाय एल, वी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट टी बाय एम, तो 1 बाय एल अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, ये आ गया हमारा एन वन ठीक है, फ्रीक्वेंसी एन वन को बोल दिया मैंने, इसको मैंने एन लिखा है, ये फ्रीक्वेंसी हमारी फंडामेंटल है इसलिए एन लिखा है, इसको एन वन बोल देंगे। तो एन वन इज इक्वल टू दिस मच, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 1/12 अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, एन वन की वैल्यू। ये पूरा क्या दिख रहा है आपको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/12 अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, ओके ग्रेट। तो इसको क्या बोल सकते हैं, एन वन इज इक्वल टू ट्वाइस एन बोल सकते हैं, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल मिला ठीक है, इसको नोट करके रख लिया जाए। अब ये हमको मिला है सेकंड मोड ऑफ पार्टीशन के अंदर, ये था कौन सा मोड, सेकंड मोड ऑफ पार्टीशन के अंदर, चलो देखते हैं थर्ड मोड ऑफ पार्टीशन। थर्ड मोड के अंदर नोड कितने हो जाएंगे बोलिए, पीछे देखकर बोलिए, पीछे वाले में कितने थे 2, 3 थे, अब कितने हो जाएंगे 4, करेक्ट। और इसमें कितने थे एंटी नोड, एंटी नोड 2 थे, अब यहाँ कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे ठीक है। सिम्बलिंग्स को याद रख लिया आपने, अगर इसको याद रख लिया है तो चलो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, रिजिड एंड पर हमेशा क्या होगा नोड, एक नोड बनेगा, यहाँ से कितने बनना चाहिए नोड, 4 नोड बनना चाहिए ना, नोड 4 बनेंगे, लूप कितने आ जाएंगे, मतलब लूप 3 हो जाएंगे शायद मेरे हिसाब से, 1, 2, 3 है कि नहीं, ये भी नोड, ये भी नोड, ये भी नोड ठीक है, 4 नोड है। एंटी नोड कितने हैं, 1, 2 और 3, 3 एंटी नोड ठीक है, ये बन गया। यहाँ पर लैम्डा की एल की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 है कि नहीं, सही बात है, ओके फाइन ठीक है। तो ये भी हमने ले लिया कि ये हो गया हमारा 3 लैम्डा बाय 2 वैल्यू हो चुकी है, तो मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं यहाँ से, तो स्टूडेंट्स हम लिख पाएंगे लैम्डा इक्वल्स टू 2L/3, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी V/λ, चलो पुट कर दो इसमें, ये N2 हो जाएगा, N2 इज इक्वल्स टू 1/λ, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2L/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2L/3 अंडर रूट ऑफ T/m, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ N2 इज इक्वल्स टू 3 × 1/12 अंडर रूट ऑफ T/m ठीक है। ये कौन है, ये N है, तो देयरफॉर इसको ऐसे लिख सकेंगे क्या, N2 इज इक्वल टू 3rd मल्टीपल ऑफ N, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3rd मल्टीपल है ठीक है, तो इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा। सिमिलरली ऐसा कर देते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, सिमिलरली नेक्स्ट N3, नेक्स्ट मोड कौन सा रहेगा, 3rd मोड के बाद 4th मोड, 4th मोड के अंदर में N3 कितना मिलने वाला है, N3 विल बी इक्वल टू, जैसे ये N2 3N मिला था, N3 क्या मिलेगा 4N मिलेगा, नेक्स्ट मोड में 5N मिलेगा,
नेक्स्ट मोड के अंदर पीथ मोड अगर ले लिया तो क्या बन जाएगा, पी प्लस वन एन, सही है। पीथ मोड के अंदर में हमको क्या मिलेगा, पी प्लस वन तो एन मिलेगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, तो पी की वैल्यू कुछ भी रख के दे लो, चलो टू रख लो उसको, तो एन टू इज इक्व टू टू प्लस वन इज थ्री, थ्री एन, एन टू इक्व टू थ्री एन आया, सही बात है। इसके अंदर कुछ भी रख के देख लो तो बात बिल्कुल सही आ जाती है कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के अंदर में जो एन होता है, नेक्स्ट मोड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल में चलती रहती है। इंटीग्रल अगर मल्टीपल में चलती है तो मैं यहाँ पर कुछ बता दूंगी कि व्हाट आर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, ठीक है, व्हाट आर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, ठीक है। हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, हार्मोनिक और ओवरटोन, हार्मोनिक मतलब क्या होता है, हार्मोनिक का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थोड़ा सा आप उसको डेफिनेशन को पढ़कर देख लें, बुक में पता चल जाएगा हार्मोनिक्स आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को छोड़कर, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे था, ये है फर्स्ट हार्मोनिक हमारा, ठीक है। बोलते नहीं है उसको कभी, उसको बुरा लग जाता है, ठीक है, उसको बोलना नहीं, वो है फर्स्ट हार्मोनिक लेकिन उसको बोलते नहीं है, ठीक है। ये आपकी और मेरी बात है बस, अपने अपने घर में कि इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, फंडामेंटल मोड बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसके बाद एन वन इक्वल्स टू टू एन, एन वन इक्वल्स टू टू एन, तो इसको क्या बोला जाएगा, हार्मोनिक, कौन सा हार्मोनिक है ये, इसको सेकेंड हार्मोनिक बोल दो, सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, ओके सेकेंड हार्मोनिक है ये, ठीक है। तो ये बात भी हमको समझ में आ गई कि ये है हमारा सेकंड हार्मोनिक, ओके। उसके बाद यहाँ आओ, एन टू इज इक्वल टू, ये कितना है, थर्ड हार्मोनिक, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है थर्ड हार्मोनिक, ठीक है ना, इसको थर्ड हार्मोनिक बोला जाता है। अच्छा ओवरटोन क्या है, चलो ओवरटोन देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया से चलेगी। ओवरटोन का मीनिंग होता है कि ये हायर फ्रीक्वेंसी होती है, एनी हायर फ्रीक्वेंसी अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को छोड़कर उसके बाद जो भी फ्रीक्वेंसी मिलती है उसको हम ओवरटोन बोल देते हैं, ठीक है, ओवरटोन बोल देते हैं। मतलब कहाँ है ओवरटोन, कैसे होगा ओवरटोन, ओवरटोन यहाँ पे इसे क्या बोला जाएगा, देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हुआ, फंडामेंटल के बाद की फ्रीक्वेंसी कौन है, 2n, 2n को तो सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं, लेकिन इसको n1 को फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन, इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। यहाँ पे कौन है, ये है सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। ये कौन सा ओवरटोन है, इसको बोलो, इसको बोलो, ये है फोर्थ ओवरटोन। अरे उसको बात समझ में आ रही है क्या, ये है फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, नहीं आ रही बात समझ में, चलो ठीक है एक बार और क्लियर करता हूँ। यहाँ पर आते हैं हम और कुछ डेफिनेशन फिर से बनाते हैं इसकी, देखो ओवरटोन और हार्मोनिक सीखते हैं, हार्मोनिक है ओवरटोन, हार्मोनिक ओवरटोन, हार्मोनिक ओवरटोन, अरे डेफिनेशन पढ़ लो भाई इसकी एक बार, बहुत आसान चीज़ है। हार्मोनिक वाली हूँ ऐसे, हार्मोनिक, हार्मोनिक 50n कौन है ये, 50th हार्मोनिक है ये, लेकिन क्या इसका 49 नंबर का ओवरटोन होना जरूरी है, अरे नहीं भाई बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे आप लोग, कुछ लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि देखो ये थर्ड हार्मोनिक था तो सेकंड ओवरटोन आया, फोर्थ हार्मोनिक है तो ये थर्ड ओवरटोन आया, तो उसके हिसाब से ये 50 हार्मोनिक है, 50 नंबर का हार्मोनिक है तो ये 49 नंबर का ओवरटोन आना चाहिए। गलत, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ऐसे याद नहीं करना है उसको, ठीक है, ऐसे याद नहीं करना है। जस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगा उनको हार्मोनिक बोलते हैं, याद कर लो। मैंने ऐसे लिख दिया 1001n, ये कितना हो गया 1001 नंबर का, 1001th हार्मोनिक, ठीक है।
ऐसा है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ऐसी सीक्वेंस लॉजिक में याद नहीं करना है, मैंने वैसे लिखा तो वही है, लॉजिक वैसे ही याद करवाना चाहता हूँ मैं आपको कि ये फंडामेंटल है, ये सेकंड मोड के अंदर फर्स्ट ओवरटोन मिलता है, थर्ड मोड के अंदर सेकंड ओवरटोन मिलता है, ठीक है, और उसके बाद फोर्थ मोड के अंदर में आपको थर्ड ओवरटोन मिलेगा, उसके बाद के मोड में आपको फोर्थ ओवरटोन मिलेगा। मैं याद ऐसे करवा देता हूँ क्लास में, लेकिन एक्चुअली ये लॉजिक नहीं है उसका। ओवरटोन्स जो होते हैं ये स्ट्रिंग वाइब्रेशन और हमारे जो एयर कॉलम वाइब्रेशन होता है ना, एयर कॉलम वाइब्रेशन के अंदर भी ये चेंज हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे चल रहा है कि जैसे पी प्लस वन हार्मोनिक है तो पी नंबर का ओवरटोन है। ये कौन है? ये पी ओवरटोन है, देख लो जरा, पी ओवरटोन है, ठीक है, पी ओवरटोन। और ये क्या है? पी प्लस वन हार्मोनिक, पी प्लस वन हार्मोनिक, ठीक है, ये यहाँ तक लॉजिक तो चला ही है, पी प्लस वन तो हार्मोनिक, ठीक है, ऐसे चला। लेकिन स्ट्रिंग वाइब्रेशन के अंदर में ओवरटोन्स अलग होंगे और जो हमारा एयर कॉलम वाइब्रेशन होगा उसमें ओवरटोन अलग होंगे, ठीक है। मैं एयर कॉलम वाइब्रेशन पढ़ाता हूँ, उसके अंदर आपको बताऊंगा कि अलग नंबर है, उसको बताऊंगा आपको लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग क्या है, फ्रिक्वेंसी जरा लिखते हैं तो एन इज इक्वल टू पी बाय टू एल अंडर रूट ऑफ टी बाय एल। और अब आप बोलोगे सर अरे आपकी ये पी कहाँ से ला गया, ये कौन, ये पी कौन है? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पी है ये नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स, चेक कर लो, चेक कर लो। पहला मोड होगा तो क्या करेंगे, पी को पहले मोड में लूप कितने बने थे, ठीक है, आप देखना चाहते हो तो हमारे जो लास्ट पॉइंट था हमारा, देखो मोड द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के अंदर में फर्स्ट मोड, फर्स्ट मोड फंडामेंटल होता है, इसके अंदर में पी की वैल्यू क्या कर लेते हैं, वन रख लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर पी की वैल्यू क्या कर लेते हैं, वन रख लेंगे। पी की वैल्यू वन मतलब लूप कितने बने, नंबर ऑफ लूप्स वन, एक ही लूप बना है, एक लूप बना इसके रख दिया। इसमें इसमें देखते हैं, यहाँ पर देख लो, अगर मैंने इसको पी बाय के फॉर्म में लिखा, पी बाय ट्वेल्व, देखो जरा, अगर मैं इसको लिखता, अगर मैं इसको लिखता पी बाय ट्वेल्व अंडर रूट टी बाय एन, पी की वैल्यू कितनी, दो लूप है, टू रख देता तो कितना हो जाएगा, टू वन अपॉन ट्वेल्व अंडर रूट टी बाय एन, वही वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पे कितने लूप बने हैं, तीन, तो यहाँ पे रख देते हैं, देखो तीन लूप, वन बाय ट्वेल्व अंडर रूट टी बाय एन, ठीक है, ठीक है, बात तो वही है। तो ये वाला पॉइंट हमारा वही है कि पी जो होता है ये नंबर ऑफ लूप होते हैं। मैं इसको बाद में ही बताने वाला था, क्योंकि लूप का जो नंबर होता है हम उसको प्लकिंग डिस्टेंस के साथ समझने वाले हैं। तो अभी हो जाएगा नंबर ऑफ लूप्स, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग देखते हैं क्या लिखा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप्स, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप्स, ऐसे ले सकते हो। यानी कि मुझे मिल सकता है कुछ तो इक्वेशन एन वन अपॉन एन टू इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू, ठीक है, उसकी जरूरत बाद में पड़ेगी जब लिख लेंगे उसको। दूसरा, अब पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दूंगा, आप लोग इतने तो समझदार हो गए हैं माशाल्लाह। चलो देखते हैं क्या लिखा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अरे वाह, मतलब ये हुआ एन वन एल वन इज इक्वल टू एन टू एल टू, अरे वाह, समझ आई क्या? देखो एन वन एल वन इज टू एन टू एल टू, एन वन अपॉन एन टू इज टू एल टू अपॉन एन वन, ये इस तरह की इक्वेशन आप बना सकते हो उससे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ, ठीक है, इसका नाम है लॉ ऑफ लेंथ, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ लेंथ, बोलते हैं क्या, ऑसिलेशन में तो बोलते हैं, ठीक है, यहाँ बोलते हैं शायद, तो लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ बोल दिया हमने उसको, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। तीसरा, एन का इक्वेशन देखो जरा टी के साथ, तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, ठीक है, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, ये भी लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा लॉ ऑफ टेंशन। लॉ ऑफ टेंशन, बड़ा टेंशन कम हो रहा है इसको पढ़ के,
लॉ ऑफ टेंशन के लिए एन की इक्वेशन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एन वन अपॉन एन टू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी वन अपॉन टी टू टेंशन इन द स्ट्रिंग के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है एन स्क्वायर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट? हाँ, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिखते डायरेक्टली। स्क्वायर करके लिखवा सकते हैं, एन स्क्वायर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी लिख सकते हैं ना। चलो लिख दो फिर टी हो जाएगा। पी और टी का रिलेशन तो हम बाद में निकाल ही लेंगे, ठीक है, वो हमारे को मेल्ट एक्सपेरिमेंट में काम आने वाला है। उसके बाद में देखते हैं और कौन बचा है, लॉ ऑफ क्या बोलते हैं उसको, कौन है एम को, अच्छा लीनियर मास डेंसिटी है वो। तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ छोटू एम, और इस छोटू एम इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, टोटल मास को क्या लिखते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन टोटल लेंथ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को क्या लिखते हैं एरिया इंटू लेंथ अपॉन नीचे लेंथ को लेंथ लिखते हैं, लेंथ लेंथ गेट कैंसल, कौन बचा एम की वैल्यू बची है रो और ए बची है, रो ए बची है। इसको ऐसे लिख दूँ क्या, रो पाए आर का स्क्वायर, आर बोले तो रेडियस हमारा जो वायर होगा जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है मतलब एक वायर है, एक तार है, एक स्ट्रिंग है, धागा है समझ लो, तो उसका रेडियस होगा आर। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट ऑफ पाई रो आर स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रूट ऑफ पाई को तो हटा दिया जाएगा ना यार, हटा दो उसको, हटा दो इस कॉन्स्टेंट को, पर्सनली कॉन्स्टेंट डाल दिया उसको। तो क्या लिख दिया मैंने कि एन इज दैट इज नहीं दिख रहा है, ओके सॉरी दोस्तों दिखाई दिया, दैट इज एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेडियस ऑफ स्ट्रिंग, रेडियस लिखो इसको, रेडियस ऑफ स्ट्रिंग, और एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग, ओके फाइन। ये वाला हमारा जो का है वैल्यू डेंसिटी है ये सबको मालूम है, क्यों लिख रहा हूँ मैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, और लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के साथ में हमने कॉम्प्लीट किया है एक टॉपिक। चलो ओके बाय, हम नेक्स्ट सेशन के अंदर भी एयर कॉलम वाइब्रेशन, व्हाट इज एयर कॉलम, एयर कॉलम कैसे होता है, उसकी वाइब्रेशन कैसी होती है, और बहुत कुछ।